कांग्रेस के आह्वान पर राजधानी में भारत बंद का असर व्यापक रूप से देखने को मिला है। आज भारत बंद है, कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस समर्थन को 21 राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। राजधानी में भी कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रैली के रूप में निकले वो और बाजार बंद करवाए। इस दौरान कई जगह टकराव की भी स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन बंद को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद रहा। इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता भी शहर का दौरा करने के लिए निकले। हालांकि प्रदेश की सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर 4% वैट की छूट दी गई है, जिसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार ने कांग्रेस के दबाव में ये कटौती की है। जब उनको लगा कि बंद को व्यापक समर्थन मिलने जा रहा है, तो उन्होंने ये कटौती की। महंगाई को लेकर भारत बंद के आह्वान पर कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है। राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता सड़कों पर उतरे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रामेश्वर डूडी है, अविनाश पांडे, सचिन पायलट सभी सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस का भारत बंद है, किस तरह की आज देखो, आज राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे भारत बंद है और डीजल और पेट्रोल के जिस तरीके से इन्होंने रेटें बढ़ाई है, आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ी है। उस महंगाई को लेकर, डीजल और पेट्रोल की रेटों को लेकर हम सड़कों पे उतरे हैं। और सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा सभी व्यापारीगण को, प्रदेश की जनता को, कि उन्होंने इसका पूरा समर्थन किया है और सरकार पे दबाव बनाने के लिए। और सरकार आज केंद्र सरकार की अपने बात करें तो केंद्र सरकार की हर धर्मिता से 23% और बढ़ा दिया डीजल की रेट, इनको सोचना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश की और देश की जनता इस समर्थन के अंदर पूरी खुल के आई है और आने वाले समय के अंदर जनता इसका जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी कुशासन को कठघरे में खड़ा करने का काम जो है प्रदेश की जनता करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी हैं, आज सड़कों पर उतरे हैं। सचिन जी आज सड़कों पर उतरे, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सरकार का जवाब देना पड़ेगा, मांग को मानना पड़ेगा, दाम कम करने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने 4% की छूट दी है, वेट में छूट दी है, उसके बाद भी क्या कोई एहसान नहीं किया इन्होंने, लागू किया था 4% एक्स्ट्रा, विड्रॉ किया घबरा के, हमारे दबाव में किया है। केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने तक भी क्या कांग्रेस का जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, हम तो दाम कम कराएंगे, 23 पैसे दोबारा बढ़ा दिया है। ये अंधी बहरी सरकार है, इसकी नींद खोलनी पड़ेगी, हम करके रहेंगे। ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और महंगाई के खिलाफ इन कांग्रेस का प्रदर्शन। जयपुर में पूरी कांग्रेस पार्टी, तमाम वरिष्ठ नेता सड़कों पर उतरे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ दिनेश सिंह, A1 न्यूज जयपुर।